दोस्तों क्रिकेट रिकॉर्ड्स की इस खास वीडियो में आज हम आपको वनडे क्रिकेट के टॉप 10 हाईएस्ट टीम टोटल्स के बारे में बताएंगे कि किन टीमों ने 50 ओवरों के इस खेल में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। नंबर 10 टीम का टोटल स्कोर 413 रन। वर्ल्ड कप 2007 के एक मुकाबले में बरमुडा के खिलाफ टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर किया था। तब टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट में पहली बार 400 से ज्यादा रन बनाए थे और इस मैच में वीरेंद्र सहवाग ने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रनों का योगदान दिया था। अपनी शतकीय पारी की बदौलत सहवाग इस मैच के हीरो रहे थे। नंबर 9 टीम का टोटल स्कोर 414 रन। ये स्कोर भी टीम इंडिया ने ही बनाया था, लेकिन इस बार उनके सामने थी टीम श्रीलंका। तब श्रीलंकाई गेंदबाजों की पिटाई करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने 50 ओवरों में 7 विकेट्स के नुकसान पर 414 रन बनाए थे और इस मुकाबले में भी टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने ही 146 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर इतने बड़े स्कोर की नींव रखी थी और वह मैन ऑफ द मैच रहे थे। इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने भी 411 रन बना दिए थे, लेकिन अंत में सिर्फ 3 रनों से भारत ये मुकाबला जीतने में कामयाब हो गया था। नंबर 8 टीम का टोटल स्कोर 417 रन। 2015 के वर्ल्ड कप में टीम ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर बनाया था। तब ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों में 6 विकेट्स के नुकसान पर 417 रन बनाकर अफगानिस्तान को एक बड़ा लक्ष्य दिया था, लेकिन अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 142 रनों पर ही सिमट गई थी। 417 के स्कोर में इतना बड़ा योगदान डेविड वार्नर ने दिया था जब वह 133 गेंदों में 178 रनों की शानदार पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच बने थे। नंबर 7 टीम का टोटल स्कोर 418 रन। वनडे क्रिकेट में 418 रनों का बड़ा स्कोर अब तक 3 टीमें बना चुकी हैं, टीम इंग्लैंड, टीम इंडिया और टीम साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ साल 2019 में 6 विकेट्स के नुकसान पर 418 रन बनाए, तो वहीं टीम इंडिया ने भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही 50 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 418 रन ठोके थे। अगर बात करें साउथ अफ्रीका की, तो इस टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 विकेट के नुकसान पर इतने ही रन बनाए थे। तब इंग्लैंड की तरफ से जॉस बटलर ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, तो वहीं टीम इंडिया के स्कोर में एक बार फिर वीरेंद्र सहवाग ने सबसे बड़ी पारी खेली थी जब उन्होंने दोहरा शतक जड़कर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था और साउथ अफ्रीका की ओर से मार्क बाउचर ने सिर्फ 68 गेंदों में नाबाद 147 रन ठोककर इस स्कोर में सबसे बड़ा योगदान दिया था। नंबर 6 टीम का टोटल स्कोर 434 रन। साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 ओवरों में 434 रन ठोक दिए थे। तब वनडे क्रिकेट में पहली बार किसी टीम ने 400 से ज्यादा रन बनाए थे। कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने तब 164 रनों की शतकीय पारी खेली थी। नंबर 5 टीम का टोटल स्कोर 438 रन। जब ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 435 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया था, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका की टीम इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकेगी, लेकिन अफ्रीकी बल्लेबाजों ने इस सपने को सच करते हुए 9 विकेट्स के नुकसान पर 438 रन ठोककर एक गेंद पहले ही इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर लिया था। 111 गेंदों में 175 रन ठोककर हर्षल गिब्स ने साउथ अफ्रीका को इतिहास रचने में सबसे बड़ी मदद की थी। साउथ अफ्रीका की टीम ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार 438 रन बनाए हैं। दूसरी बार उन्होंने ये कारनामा टीम इंडिया के खिलाफ किया था जब क्विंटन डिकॉक, फॉफ डुप्लेसिस और कप्तान एबी डिविलियर्स ने शतक ठोके थे। इन तीनों के शतकों की बदौलत ही साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट्स के नुकसान पर 438 रन बनाए थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया 224 रनों पर ही सिमट गई थी। नंबर 4 टीम का टोटल स्कोर 439 रन। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 400 प्लस स्कोर करने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के नाम दर्ज है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ साल 2015 में 439 रनों का स्कोर भी इसी टीम ने बनाया था। ये वही मुकाबला था जिसमें एबी डिविलियर्स ने सिर्फ 31 गेंदों में शतक ठोककर वनडे क्रिकेट की सबसे तेज सेंचुरी बनाई थी। उस मैच में ओपनर्स हाशिम आमला और राइल रोसो ने भी शतक ठोके थे, लेकिन सिर्फ 44 गेंदों में 149 रनों की तूफानी पारी खेलकर एबी डिविलियर्स मैन ऑफ द मैच बने थे। नंबर 3 टीम का टोटल स्कोर 443 रन। साल 2006 में टीम श्रीलंका ने नीदरलैंड के खिलाफ
9 विकेट्स के नुकसान पर 443 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उस समय श्रीलंका ने वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े स्कोर को पीछे छोड़कर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो 438 रन बनाने वाली टीम साउथ अफ्रीका के नाम दर्ज था। इस मैच में तिलक रत्न दिलशान ने भी शतक ठोका था, लेकिन 157 रन बनाकर श्रीलंका के स्कोर में सबसे बड़ा योगदान देने वाले सनत जयसूर्या मैन ऑफ द मैच रहे थे। नंबर 2, टीम का टोटल स्कोर 444 रन। श्रीलंका से सिर्फ 1 रन ज्यादा बनाकर इंग्लैंड की टीम ने वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा लिया था। पाकिस्तान के खिलाफ उस मुकाबले में 3 विकेट्स के नुकसान पर 444 रन ठोककर इंग्लैंड ने यह कमाल किया था। उस मैच में एलेक्स हेल्स सबसे बड़ी पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच रहे थे, और वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टीम इंग्लैंड के नाम ही दर्ज है। साल 2018 में इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 50 ओवरों में 481 रन ठोक कर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और उस मैच में भी इंग्लैंड के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने अपनी टीम के स्कोर में सबसे बड़ा योगदान दिया था, जब उन्होंने सिर्फ 92 गेंदों में 147 रन बनाए थे। तब इतनी ही गेंदों में जोनी बियर्स्टो ने भी 139 रनों की शतकीय पारी खेली थी, लेकिन मैच खत्म होने के बाद एलेक्स हेल्स को ही मैच का हीरो चुना गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वनडे क्रिकेट के इस सबसे बड़े स्कोर के रिकॉर्ड को कौन सी टीम तोड़ सकती है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और क्रिकेट के ऐसे और शानदार रिकॉर्ड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।